व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू AA मॉडिफिकेशंस। सो आज हम अपने स्कूटर का कारपेट रिटर्न क्लीन करने वाले हैं, और सबसे पहले तो हम ये जो इसका बॉक्स होता है इसको ओपन कर लेंगे विद फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना जो बॉक्स है वो ओपन कर लिया है, और ये हमारा कार्बोरेटर है एंड ये फिल्टर है। सो लेट्स ओपन देम। तो फिल्टर ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रूज दिए हुए हैं, और मैं इनको खोल लेता हूँ। तो 2 स्क्रूज ओपन करने के बाद ये हमारा जो फिल्टर है ये बाहर आ जाएगा, एंड अब हम कार्बोरेटर को ओपन करते हैं। तो कार्बोरेटर ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको टी शेप का पाना चाहिए होगा, और इसमें 2 स्क्रूज हैं जो हमने ओपन करने हैं। और उसके बाद हमने 10 नंबर की चाबी से ये जो फ्यूल लाइन है इसको ओपन कर लेना है, और हमारा जो कार्बोरेटर है वो बाहर आ जाएगा। तो अब हम कार्बोरेटर और फिल्टर क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फिल्टर क्लीन करने के लिए एक ब्रश और पेट्रोल चाहिए होगा, और हम ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ये जो फिल्टर है इसको क्लीन करेंगे। हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए जिससे ये फिल्टर है ये हार्म ना हो। तो फिल्टर क्लीन करने के बाद अब हम अपना कार्बोरेटर क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये अपने जेट खोलने पड़ेंगे। इसमें 2 जेट्स होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो सबसे पहले मैं छोटा जेट खोल लूँगा, और उसके बाद बड़ा जेट। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल हम अपना कार्बोरेटर क्लीन करते हैं। और आपने अपना कार्बोरेटर अच्छी तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि यही एक पार्ट होता है जिसकी हेल्प से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है, और इससे हमारा इंजन भी वर्क करता है। तो सबसे पहले हम अपना कार्बोरेटर बाहर से अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, फिर हम फ्लोटर को ओपन करेंगे। तो कार्बोरेटर को बाहर से क्लीन करने के बाद अब हम कार्बोरेटर को अंदर से क्लीन करेंगे, और सबसे पहले ये जो टॉप नट है हम इसको ओपन करेंगे, और इसके अंदर होता है एक छोटा फिल्टर, और इसको भी हम बड़े ध्यान से साफ़ कर लेंगे। तो फिल्टर को क्लीन करने के बाद हम इसको अच्छे से क्लीन क्लॉथ से साफ़ कर देंगे। तो फिल्टर को साफ़ करने के बाद अब हम कार्बोरेटर को साफ़ करेंगे, और सबसे पहले हम ये जो फ्लोटर होता है उसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा फ्लोटर होता है, और ये पिन को रिमूव करके हम फ्लोटर को निकाल सकते हैं बाहर, और उसके बाद हम इसको भी क्लीन कर लेंगे। तो कार्बोरेटर को पेट्रोल के साथ क्लीन करने के बाद हम एक क्लीन क्लॉथ से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। मैंने दोनों जेट्स को पेट्रोल की हेल्प से क्लीन कर लिया है, और अब हम इसको कार्बोरेटर में वापस लगा देते हैं। जेट्स को वापस लगाना भी सिंपल है, हमने जिस होल से जेट्स को बाहर निकाला था उसी होल्स में वापस डाल देंगे और टाइट कर देंगे। तो जेट्स को वापस लगाने के बाद अब हम अपने फ्लोटर को भी इंस्टॉल कर देंगे, और फ्लोटर को वापस लगाना बहुत ईजी है। बस ये पिन है इसको डालना है, और उसके बाद जो छोटी पिन है उसको ये होल के अंदर में डाल देना है, एंड बस हमारा ये जो फ्लोटर है ये असेंबल हो जाएगा।
आफ्टर असेंबलिंग द फ्लोटर अब हम इसको कार्बोरेटर में वापस लगा देंगे और जो टू स्क्रूज हैं उसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे कि जो हमारा फ्यूल है वो बाद में जाके लीक ना हो। और फ्लोटर वापस लगाने के बाद हम ये जो फिल्टर है इसको भी वापस लगा देंगे। एंड नाउ जो हमारा कार्बोरेटर है वो अच्छी तरीके से क्लीन और असेंबल हो गया है एंड अब हम इसको स्कूटर में इंस्टॉल कर देते हैं। तो कार्बोरेटर को वापस इंस्टॉल करने के लिए हमें इसकी रेस वायर और चोक वायर वापस लगानी होगी। और अब हम अपनी फ्यूल वायर वापस लगा देंगे। आफ्टर दैट हम अपना फिल्टर भी इंस्टॉल कर लेंगे। एंड गैस्केट और कवर इंस्टॉल करने के बाद हमने फाइनली अपना कार्बोरेटर क्लीन कर लिया है। So thank you guys for watching my video. Please like, share, comment the video and do subscribe to AA Modifications.